स्टार्ट ना हो, परपेंडिकुलर कंडीशन तक हो गया था ना, कंडीशन फॉर टू वेक्टर्स भी परपेंडिकुलर है ना, तो रिवर्स ऑर्डर में चलते हैं। यहाँ पे फिनिश किया था क्या? ओके, इसका क्या आंसर आया बोलो? व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? -9/2 सी, -9/2। ओके अदर्स, व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? -9/2। ओके, तो लेट्स सी हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। आसमा कितना आया आंसर? A dot B should be zero, है ना? Perpendicular है? Yes sir. हाँ sir. Dot product में coefficient multiply हो जाएगा, 2 and 3 multiply हो जाएंगे, plus 3 into 4 multiply हो जाएंगे, 3 into C is equal to 0. 6 प्लस 12, तो ये कितना आ रहा है? 18/3 क्या हो गया था इसमें? कुछ क्यों नहीं आंसर मैच हो रहा तुमने? कैसे किया सर? वो थ्री नहीं, फोर है। अच्छा, 3 and 4 क्या है? एक मिनट, ये फोर है क्या? फोर -4 के और -C के। ओके ओके, ये फोर है ना? ओके, तो यह कितना आ रहा है फिर? तो -C भी है ना, -C भी है, तो माइनस जो है उधर जाके प्लस हो गया। अरे दोनों माइनस माइनस है क्या? प्लस हो जाएगा फिर। ओके, तो ये आएगा तुम्हारा C इज इक्वल टू माइनस ऑफ, ये हो जाएगा 18, ठीक है? तो ये हो गया तुम्हारा, दो वेक्टर्स जब परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है, उससे आंसर आ गया। ऑल राइट, इसमें कोई डाउट है क्या? नो सर। नहीं सर। ओके, नाउ पीछे चलते हैं। ये क्या था? प्रूव दैट म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, तो इसको इनका डॉट प्रोडक्ट शुड बी जीरो। थ्री इंटू फोर प्लस 4 into -3, 12 - 12 इज इक्वल टू जीरो, देयरफॉर परपेंडिकुलर, ठीक है? All right. Yes. डॉट प्रोडक्ट जीरो आ गया तो परपेंडिकुलर होंगे। ए डॉट बी निकालना था, इसमें कितना आया बोलो? कितना आया इसका? 31 Others, अस्मा कितना आया? मेहुल, नित्य, सर मैं लास्ट क्लास में नहीं था, कंप्लीट कर लिया करो ना। नित्य कितना आया? डॉट प्रोडक्ट में कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई हो जाते हैं। संस्कृति कितना आया? So, मेरा 1 second, 31। बताओ 1 into क्या करें? 1 into 5। सीक्वेंस कभी कभी चेंज कर देते हैं तो हमें बताओ। यहाँ पर आए, यहाँ पर आए का 1 है, इधर आए देखो 5 है, प्लस 2 into 4 जे के को, फिर यहाँ पे जे ये और के प्लस 3 into 6,
18 26 प्लस 5 31 ठीक है तो ये इजी क्वेश्चन थे सर ये हो गया था क्लास में यस ये हो गया था इसके क्या आंसर है बोलो व्हाट इज द एंगल बिटवीन सी एंड डी इफ द डॉट प्रोडक्ट इज इक्वल टू जीरो नाइंटी डिग्री डॉट प्रोडक्ट जीरो दिया है सी कितने दिया थ्री ये फोर ये कॉस थीटा यहाँ से कॉस थीटा इज इक्वल टू जीरो देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री सेकंड वन 12 दिया है ये फर्स्ट हो गया सेकंड वाले में 12 इज इक्वल टू 3 इंटू 4 इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 आ गया देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री थर्ड पार्ट में माइनस 12 दिया माइनस 12 इज इक्वल टू 3 इंटू 4 इंटू कॉस थीटा देयरफॉर कॉस थीटा इज इक्वल टू माइनस 1 देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा माइनस 1 है तो थीटा कितना होगा माइनस 1 को क्या लिख सकते हैं 180 कॉस थीटा कॉस माइनस 1 को कॉस 180 डिग्री लिख सकते हैं कॉस हट जाएगा थीटा विल बी 180 डिग्री ठीक है Yes, sir. इसका आंसर क्या होगा यहाँ पे इसको लिख लो कार इज मूविंग इन एक्स वाई प्लेन इन एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन विद सेंटर एट ओरिजिन कल हो गया था ना हाँ सर कर लिया था फोर्थ क्वाड्रेंट परसों In which quadrant it will be when velocity is 2i cap plus 2j cap meter per second? कौन से quadrant में होगा? Fourth sir. कैसे? Sir क्योंकि एक negative और इधर जा रहा होगा. Anticlockwise में ऐसे move करेगा ना? हाँ sir. X component भी positive आ रहा है. Y component भी positive. I भी positive है. J भी positive. दोनों दोनों पॉजिटिव दिख रहे हैं देयरफॉर फोर्थ क्वाड्रेंट और एंटी क्लॉकवाइज जाएगा क्लॉकवाइज जाएगा तो सेकंड क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट आएगा क्लॉकवाइज जाएगा ऐसे तो ये एक्स कंपोनेंट हो जाएगा ये वाई दोनों पॉजिटिव कब आ रहे हैं या सेकंड क्वाड्रेंट में ठीक है This is the first one, this is the second one. Clear? ये हो गया था ना ये डायरेक्शन वगैरह निकाल ली थी हमने और कुछ बाकी है ये आज मैंने मॉर्निंग बैच में दिया था कैन यू नोट डाउन दिस क्वेश्चन एंड सॉल्व इट एंड सेंड इट सर कौन सा वाला एक बार मार्क ये वाला व्हाट वेक्टर शुड बी एडेड इन द वेक्टर ए सो दैट रिजल्टेंट बिकम्स यूनिट वेक्टर अलोंग द नेगेटिव नेगेटिव जेड एक्सिस इफ वेक्टर ए इज गिवन वेक्टर ए दिया है उसमें क्या ऐड कर दें कि जो रिजल्टेंट होता है वो यूनिट वेक्टर बन जाए और नेगेटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन
So this is the homework question based on unit vector. All right. Sir, बस एक सेकंड. Yes, sir. हाँ. Sir, ये 3J cap है क्या? या I cap? 3J cap. 3J cap. 3J cap. ओके एक और यूनिट वेक्टर का क्वेश्चन दूं मैं तुम लोगों को. देखो यहीं पे लिख देता हूँ सो दैट इसमें पेज ऐड करके लिख देता हूँ. देखो क्वेश्चन ये है वो इफ मैग्नीट्यूड ऑफ vector sum of magnitude of vector difference magnitude of vector difference of two unit vector एक मिनट मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर अभी लिखो नहीं जस्ट लेट मी कंप्लीट फर्स्ट देन यू राइट बिकॉज दिस वाज नॉट द प्लान्ड क्वेश्चन इफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सम ऑफ टू यूनिट वेक्टर्स इज आल्सो a unit vector then find their vector difference magnitude of their vector difference find magnitude of their vector difference find magnitude of their vector difference तो ये होमवर्क में है लेवल टू क्वेश्चन है समझ लो ये थोड़ा सा पढ़े हुए पॉइंट्स उनको दो पॉइंट्स हमने जो पीछे अलग अलग पढ़े उसको मैंने कंबाइन कर दिया तो दीज आर द टू न्यू क्वेश्चंस आई हैव एडेड apart from the regular question jo pehle the Noted? Yes, sir. Hi, sir. Okay, और कुछ पीछे था क्या ये वाला था क्या लैम्डा निकालना था कितना आएगा इसका इसे ये भी परसों हो गया था सर ये तो हो गया था 0.75 आया था प्लस माइनस है और कुछ पीछे बाकी है बोलो ये था क्या
होमवर्क रहते हैं उसमें गैप छोड़ दिया करो, तुम्हें खुद ही दिख जाएगा गैप है तो होमवर्क पेंडिंग है, और उसको अगर सॉल्व कर लिया तो। सर ये भी हो गया था। अच्छा क्या आंसर है इसका? ओके ठीक है, और कुछ है बाकी आगे? ये वगैरह सब हो गए थे, बाकी बोलो ये था क्या? नहीं ये था क्या? नीचे जो दिख रहा है जो नीचे जो था, नहीं ये नहीं था। नहीं सर। इफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर इज 2 एंड इट इज पैरेलल टू बी देन फाइंड वेक्टर ए। मैग्नीट्यूड 2 दिया है और बी का, बी की डायरेक्शन में, तो बी का यूनिट वेक्टर निकाल लिया, वही ए का यूनिट वेक्टर होगा, और हमें वेक्टर ए लिखना है, तो उसका मैग्नीट्यूड और उसका यूनिट वेक्टर को मल्टीप्लाई करते तो वेक्टर ए मिल जाता है। मैग्नीट्यूड 2 दिया हुआ है और यूनिट वेक्टर हमने यहाँ से निकाला बी का, वो इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, वही यूनिट वेक्टर ए का भी होगा, तो ये आंसर मिल जाएगा। मतलब ये किसी वेक्टर को लिखने के लिए है, उसका मैग्नीट्यूड पता होना चाहिए, वो दिया था डायरेक्ट, यूनिट वेक्टर पता होना चाहिए, वो ए का नहीं दिया था बी का दिया था, बट लेकिन बी बोला पैरेलल है, ऑल पैरेलल वेक्टर्स हैव द सेम यूनिट वेक्टर, देयरफॉर यूनिट वेक्टर ऑफ बी विल बी इक्वल टू यूनिट वेक्टर ऑफ ए, तो वही यहाँ आ जाएगा। देयरफॉर दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इट इज नॉट दैट डायरेक्ट। ठीक है। हाँ सर। हाँ सर। बाकी तो ये यूनिट वेक्टर ही निकालने थे, पैरेलल वेक्टर से यूनिट वेक्टर सेम होता है, इसका भी यूनिट वेक्टर था, इसका भी यूनिट वेक्टर था, इसका भी यूनिट वेक्टर था। दैट्स ऑल, आगे देखिए फिर। हाँ सर। डायरेक्शन वाला भी था क्या? हो गया था डायरेक्शन का ये वाला? एक ऑब्जेक्ट इतने इतने कोऑर्डिनेट पर है, उसको शिफ्ट किया ओरिजिन पे, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकलना था, उसका मैग्नीट्यूड निकलना था, तो इनिशियल पोजीशन वेक्टर ये, फाइनल पोजीशन वेक्टर ओरिजिन पे आ गया r2, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज r2 माइनस r1, फाइनल pv माइनस इनिशियल pv, तो ये आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ये आ गया, उसका मैग्नीट्यूड निकल लिया √14। ठीक है, और कुछ है? चलो कंडीशन फॉर टू वेक्टर टू बी पैरेलल, ये क्या होगी? दो वेक्टर्स पैरेलल होंगे तो कंडीशन क्या होगी? एंगल जीरो, थीटा जीरो, डायरेक्शन सेम, डायरेक्शन सेम होगी। तो सपोज वेक्टर ए इज इक्वल टू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप एंड वेक्टर बी इज इक्वल टू बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप, देन इनका जो कोएफिशिएंट है ना उनके रेशियो इक्वल होते, ए एक्स अपॉन बी एक्स विल बी इक्वल टू ए वाई अपॉन बी वाई विल बी इक्वल टू
AZ upon BZ, then both will be parallel. पैरेलल के उनके दो कोएफिशिएंट के रेशियो को इक्वेट करके सॉल्व कर लो, जो अननोन होगा वो अपने आप आ जाएगा, या फिर उनके रेशियो इक्वल आ गए तो हम बोल सकते हैं पैरेलल है। पैरेलल दिया है तो अननोन निकालना पड़ेगा, और पता करना है तो रेशियो इक्वल होना चाहिए। ये कॉमन सेंस से बोल सकते, तो कोई भी वैक्टर होगा, सपोज वैक्टर ए जो है ये ए है, वैक्टर बी उसका ट्वाइस है, B will be twice of A, तो इसलिए इनके जो वो एक वेक्टर B दूसरे वेक्टर के सम इंटीग्रल मल्टी सम मल्टीपल होता है, वो रियल नंबर के मल्टीपल, तो इसलिए फिर रेशियो इक्वल हो जाते हैं, है ना। तुम्हें दिख रहा है कोई कोई वेक्टर दूसरे के n टाइम्स है, है ना, n can be फुल नंबर और फ्रैक्शन, इसका मतलब वो पैरेलल है, एन टाइम्स, एन कैन बी वन टू थ्री फोर हाफ, माइनस एन टाइम्स है तो वो एंटी पैरेलल होंगे, अपोजिट होगा फिर एक, बाकी कोएफिशिएंट मिल जाएंगे। ठीक है, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, बोलो एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स कैसे निकाला जाए, बोलो कोई आइडिया दे सकते हैं। सिंस ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, देयरफॉर कॉस थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी अपॉन ए बी, तो ए डॉट बी निकाल लो और मैग्नीट्यूड निकाल के डिवाइड कर दो, कॉस थीटा आ जाएगा, उससे एंगल मिल जाएगा, है ना, चलेगा। सपोज मैं बोलू इफ वेक्टर ए इज इक्वल टू आई कैप प्लस टू जे कैप प्लस थ्री के कैप एंड वेक्टर बी इज इक्वल टू माइनस टू आई कैप माइनस फोर जे कैप माइनस सिक्स के कैप, फाइंड एंगल बिटवीन ए एंड बी, तो पहले इनका डॉट प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा ना, फिर मैग्नीट्यूड निकाल के डिवाइड करना पड़ेगा, कॉस थीटा मिल जाएगा, उससे हमें एंगल मिल जाएगा। तो डायरेक्ट नहीं कर सकते क्या? डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं? मतलब a is to b, 1 is to 2 हो गया, तो ऊपर तो नहीं पैरेलल है, तो वो पॉइंट मैंने अभी बताया। हाँ, तो वो तो तुम्हें देखने से आना चाहिए। एक काम करे, फिर चेंज कर दे, है ना, पता लग गया तुम्हें। ठीक है, लिख लिया था क्या? चलो, इसका आंसर तुम्हें वेक्टर देखते ही आना चाहिए, क्या आंसर होगा बोलो, बट इस मेथड से करके देखना है, इस मेथड से मैच होना चाहिए। क्या एंगल है वेक्टर देखने से, क्या पता लग रहा है, व्हाट विल बी द एंगल? 90 डिग्री। 90 कैसे? 180।
सर जीरो आएगा ना भाई। चलो ठीक है करो फिर, डायरेक्ट नहीं कर सकते इसका मतलब डायरेक्ट तुम्हें नहीं क्लू, यू कुड डिडंट गेट द क्लू। 180 कैसे बोलो सर? वो रेशियो माइनस वन आएगा, माइनस टू नहीं माइनस टू आएगा। ओके रेशियो इक्वल आ रहे हैं लेकिन माइनस में आ रहे हैं। ठीक है चलो इससे कर लो ना, कंफ्यूजन हो रहा तो डॉट प्रोडक्ट निकालो, ए का मैग्नीट्यूड निकालो, बी का मैग्नीट्यूड निकालो, डिवाइड करो। ठीक है इससे करके देखो होमवर्क में, फिर हम लोग आइडिया लगाएंगे कि क्या बिना, बट हमेशा ऐसा नहीं होगा ना, उसमें कुछ और कुछ समथिंग ऑड नंबर होंगे, वो पैरेलल या एंटी पैरेलल पता ही नहीं लगेगा वो, है ना? तो हमें पूरा मेथड फॉलो ही करना पड़ेगा, डॉट प्रोडक्ट एंड ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड। तो वैसे तो इसका आंसर प्रेडिक्टेबल है, माइनस टू आ रहा है तो थीटा कैसे निकलेगा? माइनस तो वन बाय टू आएगा। अच्छा माइनस वन बाय टू रहेगा, लेकिन सर वो एंगल्स एक मिनट रुको, एक मिनट रुको, मुझे चेक करने दो, कुछ मैंने मिस्टेक कर दी क्या? नहीं सर माइनस वन बाय टू आएगा। नहीं 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 ठीक से करो, ठीक से करो, माइनस वन बाय टू नहीं आएगा। कर लो इसको अच्छे से, कल इसका होमवर्क करके भेजो, फिर आई विल चेक कहाँ पे मिस्टेक हो रही। माइनस वन बाय टू भी नहीं आएगा, माइनस वन बाय टू आएगा तो 120 हो जाएगा, कॉस 120 इज माइनस वन बाय टू। सर वो तो रेशो आएगा ना। रेशो थोड़ी पूछा है, हमने एंगल पूछा है, पूरा फार्मूला लगा के एंगल निकालो, रेशो थोड़ी पूछा है। नहीं तो सर रेशो से अपने को पता चल रहा है कि पैरेलल है तो एंगल जीरो डिग्री होगा। हाँ तो नहीं पता लग रहा, रॉन्ग आंसर, इसलिए पूरा फार्मूला लगाओ। रेशो से माइनस टू आएगा ना। अरे यार तुम लोग को बोले डॉट प्रोडक्ट लगाओ, मैग्नीट्यूड ए का निकालो, बी का निकालो, पूरा सॉल्व करके दिखाओ, मुझे सबका आंसर रॉन्ग है। पूरे मेथड एक बार मेथड से निकालो तो कम से कम। ठीक है नोट कर लिया जी? हाँ सर। इसके बाद एक एनसीईआरटी बुक में क्वेश्चन है, ओके ये नोट कर लो पहले। ठीक सर एक क्वेश्चन है एनसीईआरटी बुक में, ये वाला चैप्टर नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 22। तो लेट्स सी क्या बोल रहा है ये। आई एंड जे कैप आर यूनिट वेक्टर अलोंग द एक्स एंड वाई एक्सिस, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ वेक्टर आई कैप प्लस जे कैप एंड आई कैप माइनस जे कैप। मैग्नीट्यूड तो निकाल सकते हैं, मैग्नीट्यूड तो रूट टू आ जाएगा ना, तो डायरेक्शन कहाँ से निकालनी है? डायरेक्शन के बारे में उन्होंने मेंशन नहीं किया, एक्स एक्सिस से निकाल लो। एक्स एक्सिस के साथ जनरली डायरेक्शन निकालते हैं, इसलिए एक्स एक्सिस के साथ निकाल लो डायरेक्शन। ठीक है व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर ए अलोंग द अलोंग दीज वेक्टर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ आई कैप प्लस जे कैप आई कैप माइनस जे कैप। तो ये थोड़ा मुश्किल काम लग रहा है ना। इसके लिए हम लोग कंपोनेंट ऑफ वन वेक्टर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ अलोंग द अदर वेक्टर सीखेंगे पहले। थोड़ा इसका थियरी बता दूं मैं तुम्हें, है ना, कंपोनेंट ऑफ वन वेक्टर अलोंग द अदर वेक्टर। ठीक है इसका थियरी थोड़ा बता देता हूँ, फिर तुमसे आसान हो जाएगा ये। लेकिन इस क्वेश्चन को करने से पहले एक क्वेश्चन यहाँ पे करके दिखाओ। चलो
फाइंड द एंगल मेड बाय द वेक्टर ए विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस, यहीं पे करेंगे इसको। चलो शुरू हो जाओ फटाफट। देखते इसको कैसे निकालेंगे बोलो। देर आर वेरियस मेथड टू गेट दिस। एक तो मेथड यही है, इस मेथड से निकालते हैं, फिर दूसरा मेथड भी देखते हैं। एक मिनट थोड़ा सा स्पेस बना लो। ठीक, लेट मी शिफ्ट इट ऑन द अदर पेज। देखो एक तो वही मेथड है एंगल निकालने का। चलो निकालो तुम लोग, फिर दो मेथड बताता हूँ इसकी। आई टेल यू टू मेथड्स टू गेट दिस। इसका कुछ राउंड फिगर में नहीं आएगा, तुम्हें ऐसा लिखना पड़ेगा थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स, है ना। सपोज सपोज ऐसा कुछ आ जाता है, कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/5 आ गया, तो फिर इसको हम कैसे लिखते हैं। Therefore, theta is equal to cos inverse of 1/5. ऐसे लिख के छोड़ देते the way of writing. And suppose tan theta is equal to 2/3 आ गया, क्या लिखेंगे। theta is equal to tan inverse of 2/3, क्योंकि स्टैंडर्ड वैल्यूज नहीं है। तो either you give me the log table, log table में दिया होता है ये सब इनकी वैल्यू, है ना। डेसिमल में शिफ्ट दी होती 0.1/5 कितना होगा 0.2, तो 0.2 के सामने देखना पड़ता है कितना एंगल आता है। कॉस के टेबल में जाके 0.2 में सर्च करना पड़ता है तो एंगल मिल जाता है, बट उसके लिए लॉग टेबल प्रोवाइड करनी पड़ती है। बट लॉग टेबल नहीं है तो हम लोग ऐसे लिख के छोड़ देते हैं। तो ऐसे इसमें कुछ भी ऐसा आ सकता है। तो लेकिन यहाँ पर कैसे निकालें बोलो। एक तो लॉ ऑफ कॉमन सेंस है और दूसरा फार्मूला है, वेक्टर फार्मूला है। बोलो किसका आ रहा है। राइट एंगल ट्रायंगल से निकालेंगे क्या है। हाँ देखो एटलीस्ट एक एंगल तो मिल ही जाता है, अगर वो ऑप्शन नहीं है तो राइट एंगल ट्रायंगल से दूसरा ऑप्शन साइन। सपोज तुमने कॉस थीटा के टर्म में निकाल लिया, सुनो कॉस थीटा के टर्म में निकाल लिया, लेकिन तुमने देखा अरे ऑप्शन में कॉस थीटा तो है ही नहीं, साइन थीटा दिया है, तो राइट एंगल ट्रायंगल से साइन थीटा में शिफ्ट कर सकते हैं या टेन थीटा में शिफ्ट कर सकते हैं। आई विल टेल यू ऑल द पॉइंट्स आफ्टर द ब्रेक, तो ट्राई करो। पांच अभी ब्रेक के बाद जो है मैं तुम्हें ये सिखा दूंगा कितना एंगल है, साइन थीटा के टर्म्स में कितना आएगा, कॉस थीटा के टर्म्स में कितना आएगा, टेन थीटा के टर्म्स में कितना आएगा, जो भी ऑप्शन में दिया हो यू कैन सर्च इट। ठीक है, ब्रेक कर लें फिर। हां सर, ओके।